All right, we're back once again. This is Radio NFM 91, and I have with me Ali and Tareem. And इनके बारे में अगर कोई कुछ बोले भी वो काफी नहीं होता तो शुक्र है ये दोनों आ जाएं. If you want to call us, you can call us at 051-111-111-191. SMS is at 9191. You can join us on Facebook, Fuzzy Zaka Official. All right, so boys, हालात अच्छे हैं आपके? बहुत अच्छा. अच्छा, very good. All right, let's take a call. Hello. Hello, everybody. Good evening. क्या हालात हैं आपके? मेरे हालात अच्छे हैं. आप ये हालात कैसे हैं? हमारे तो हमेशा ही अच्छे हालात होते हैं, सेट हालात होते हैं. देखिए, ये शुक्र अदा तो हमने वैसे हम करते रहते हैं कि देखो रेडियो पे बैठ के मुफ्त की तनख्वाह खाना ये सब कुछ नसीब नहीं होता ना. तो एनिया, तो आपके क्या हालात हैं? नहीं, आप मुफ्त की तनख्वाह नहीं खाते. आप जो काम कर रहे हैं ना वो बड़ा हाई लेवल है, बस इसको अंडरस्टैंड कोई भी करता है. हाँ, ये भी है. दूसरे को लाइवली देखना चाहते हैं. अच्छा, एक चीज बताओ, ये हमें कोई कह रहा था कंप्लेन कर रहे हैं कि मैंने इसे नंबर दिया है, अब रात को सो नहीं सकता, हर वक्त व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ रहा है. One Sikh, one Muslim and one Christian walked into a flana. मैंने खुद लिखता भी नहीं है, फॉरवर्ड करता है, बड़े डिलीट करता हूँ. उन्होंने कॉल का इंतजार करते हुए कॉलर ने भी कहा और उस जो आर किया उसने भी कहा अगर आप ना करें तो हम मिस करते हैं आपको, मेरे शो में लाजमी करना था. अच्छा अच्छा, तो यार इतनी मतलब इंतजार करते हैं वो, मैं उन्हें क्या कहता हूँ, थोड़े ये आदमी हमारा बरादरी से तो नहीं हो सकता. प्रोफेशनल आरजे होते हैं जिसने ऐसी बात की हो. देखो, ये तो मजाक वाली बात भी नहीं है, ठीक है ना, ये जरूर आरजे नहीं है. उनकी यूनिवर्सिटी की वैगन चलाते हो यार? नहीं, वैसे लोग पता है समय का जो रेडियो शो करता है 2 घंटे के लिए आते हैं, जरूरतमंद होते हैं, उन्हें पता ही नहीं भाई ये हाईली एजुकेटेड लोग हैं. बड़े खाते पीते मीरों के बच्चे हैं, गाड़ी चला के आते हैं अपनी प्राइवेट पर्सनल. नहीं, अपनी इतने पैसे बनाए हो, मसाला कम रख, प्लस्तर सही नहीं होगा. नहीं यार, तेरी मर्जी है यार, ये 3 महीने के लिए पुल गिर. लेकिन वो जो प्राइवेट गाड़ी है आरजे की, वो शरीक वाली भी नहीं है, सिर्फ उसकी है. क्या उसकी किस्तें पूरी हैं? यार मैं झूठ बोल रहा हूँ यार, आप गवाही देना, आप तो यार इस क्लास से तलक रखते हैं यार. नहीं, वो भी हमारे बरादरी में तो ऐसे किसी ने रेडियो से इतना पैसे नहीं बनाए कि गाड़ी खरीद सके. हाथ पैर और चीजों में मारते हैं कोई जो है ना वो
वो कंस्ट्रक्शन की काम करते हैं, रात को आ जाते हैं, हेलो व्हाट्स अप लेटेस्ट सॉन्ग एंड वी आर प्लेइंग फॉर यू. मुझे ना उसी वक्त जब रेडियो गाना भी चला रहे थे ना, SMS करा के सरिया का क्या भाव है आजकल, सुबह 3 ट्रालियां पहुंचाना. ये पता नहीं आप किस किस्म के आरजी से मिले हैं. यार मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़ा मशहूर बंदा और उसकी बातें सारा बड़ा रश होता है उसका, क्या शरबत बहुत मशहूर है, बड़ा रश होता है उसके मल्ले में ठीक है पे. उसने अपने डेक्ची की साइडों में नींबू ही नींबू लगाए, गरम समोसे और देसी जलेबी. लेडी है वो एम फिल कर रही है यार, यंग लड़की है, बड़ी हाईली एजुकेटेड है यार, क्यों कर रही है ये, क्यों कर रही है. तो आज से तो कुछ नहीं बनता ना, उसे पता है कि MPhil ही कर लूं. हाँ तो वो जगह भाई, वो जो गालिब जो है, गालिब कहता है मर्द खून की मोहब्बत दिमाग की खराबी है, क्यों कहता है वो. तो यार ये चाचा रशीद, चाचा रशीद है इधर, वो भी कुछ कह रहे हैं. वो क्या कह रहे, वो कह रहे हैं कि रसमलाई किस तरह लगाई आजकल. जगह भाई देखे किसी चीज को भी सुना, तुमने पापे खाने शुरू कर दिए यार. एक छोटा रेंच तू अपने साथ रखा कर हमेशा, पापे रस रस रेंच रेंच. वो किसकी? और इसका अपना दिमाग हमेशा ढीला हो जाता है. नहीं इसकी गर्दन का कबूला. यार वैसे ये आ, 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 आज मुझे थोड़ी सी दर्द हो रही थी ना बड़ी, तो मैंने कई फुल्कियां लिए थोड़ी सी. देखिए मुझे पता चल गया, मुझे पता चला था तुमने रस खाना शुरू किया. नहीं इसने आरी का ब्लेड खाया आज. तो मैंने आज कुछ ठंडी चीज थोड़ी सी दी है याद, दही फुल्की इस तरह की ना, दर्द हो. चल अच्छा यार, रोटी की तरफ आ फिर तू आता आता. हाँ तू दही खाया कर, तू मीठी मीठी खीर. हाँ ये नहीं, मैं दूध ज्यादा देख, कीड़े मकोड़े नहीं खाने, पता नहीं घर के सारे पेले खा जाए. वो तो प्रोवर्ब भी है ना, फूड गॉड गोटी, इसका यही मतलब है ना, कीड़े मकोड़े ना खाओ, फूड गॉड गोटी आपने पढ़ा होगा. और एक और है कि फूड इज इंसल्ट टू ब्रेन एंड बॉडी, बस इससे हमारे दिमागी अमराज भी निकलते हैं और जिस्मानी. ये बात तो बिल्कुल गलत है, फूड के बगैर ब्रेन चलते ही नहीं है, बिकॉज वो जो ब्रेन का जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म है वो बिजली है, और जब तक उसे एनर्जी नहीं मिलती तो ये जो मुहावरा है ना, ये जरा वो स्टेपनी वाला भी नहीं है, ये तो एक वो भी कच्ची बात है. सगा भाई जो ये एपिलेप्सी, ये जो बंदे तड़पते हैं सड़क में, अगर आपने देखा होगा ये तो वो तो मिसफायर होता है ना, ब्रेन की जो बिजली होती है उनको जो वो ब्रेन में जो ज्यादा बिजली उनकी पैदा हो जाती है ब्लड प्रेशर की वजह से ज्यादा खाने से, तो अब नहीं वो खाने की वजह से नहीं यार, बिल्कुल नहीं है, गलत साइंस बता रहे हो बिल्कुल. ये डॉक्टर बता रहा है, नहीं ये कौन से डॉक्टर बता रहे हैं, गलत बंदे, गलत आरजे, गलत डॉक्टर. तुझे कौन डॉक्टर भी इसका मामा ही है. देख मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ ना, ये शायद लोगों को सदमा भी पहुंचे इस बात पे, लेकिन ये गूगल जो है ना ये मुफ्त है. चंद साइड इन्फॉर्मेशन भी होती है. मुझे इधर ये भी मसला के इस मुल्क में ना, हमारे जेलों में मुझे इतने जेल नहीं मिले जितने पढ़े लिखे जेल मिले. ये गूगल से जो भी पढ़ते हैं ना, इसके दिमाग में कन्वर्टर. यार अगर तू बॉलर होता ना, बड़ी फिट स्पिन बॉलिंग करता है. ये भी यार टर्न कर जाता है एकदम, ये गुंगलुओं से गेंदे करवाता. ये ना अगर कुकिंग करता ना तो फिर ये अच्छी प्रश्न काटता. दिमाग में ज्यादा बिजली पैदा होती है तो वो फिर कांपना शुरू करता है. देख ज्यादा हिप हॉप R&B रॉक डांस पॉप गॉट द आई एम द टायर क्लासिक सबको तो नहीं होती ना यार. एक तूने बिल्कुल गलत साइंस यार, अपनी आठवीं, तू वैसे भी आठवीं में फेल हुआ था साइंस में, बाद में क्या कर साइंस की तू. यार आपको कैसे बताइए.
तेरी हरकतों से लगता है यार आप, आपने मेरी सीक्रेट इंटेलिजेंस रखी है, सारी मेरी छुपी खबरें आपके पास पहुंच जाती हैं। अच्छा वो दरिया में जो मछली नहीं होती, हम कुंडी लगा के नहीं होती नहीं, हमने तो डड्डू नहीं, आजकल मछली का मौसम खत्म हो रहा है, जब भी मछलियां पकड़ने जाते हैं हमारे आदमी तो डड्डू और न्योले ही आते हैं। यार आपकी लग काम नहीं जा रही क्या बंद है। तो दरिया में जैसे मछली हम निकालते हैं पानी से बाहर वो तरसना शुरू हो जाती है। यार देख तू चाहता है कि और लोग भी आए, वैसे ही बता वैसे क्या चाहता है कि शो में और लोग भी आए। मैं कह रहा हूँ नहीं आप चाहते हैं क्या यार। अच्छा वैसे मैं आपको समझा दू ना, दरिया में जो मछली होती है ना, अब इसकी भी आप एक नाकाम कोशिश कर ये नहीं है कि आप हॉट डॉग खा रहे थे और आपने गिरा दिया तो उसे मछली बन गई, ठीक है ना, खाने से। या अगर आपने कुछ खाना डाल दिया वो तालाब में तो उसे जो छोटी मछली है वो व्हाइट शार्क नहीं बनती, ठीक है ना। ये इसका भी अपना साइंस है, तो इसका भी जरा ख्याल रखे। इसने एक दफा कुंडी डाली थी दरिया में ना मछली पकड़ने की, तो इतनी बड़ी झाड़ी इसने पकड़ी थी। नहीं वैसे ये तनीम भाई अली भाई, मैं एक दिन गया था ना तो झाड़ी पे दरिया के किनारे मैं बैठा होता और साथ झाड़ी उधर से एक बड़ा सा टट्टू भाई निकला, उसने तफे सटे। तुमने कहा तू किधर यार, सुन लो ना, उसने सांप ऐसे ऊपर था झाड़ी के अंदर। तो उस दिन के बाद मैंने कहा मेरे ऊपर को सांप था और मुझे एकदम डर सकता था जिंदगी काट के ऐसे झाड़ी के अंदर, मगर उसे पता चला कि आगे बांगड़ू है, उसने फौरन पलटा मारा है वापस। प्लीज आप मुझे न काट लें। वो डायरेक्ट ग्लास पहन गया। ये बात आपने सही की, बात लोग होते हैं उनको मच्छर काटे मच्छर मार जाते हैं ना, ये तो बुरी काटती है तो बुरी मार जाती है। ये होता है बात, ब्लड में ना बहुत ज्यादा निकोटीन होती है, चाय चाय पीते हैं या इस तरह की कोई खाते हैं ना चीजें जिसमें निकोटीन होती है, सिगरेट लोग जो बहुत पीते हैं। ये भी वैसे मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि ये बात शायद ख्वाबों में हो लेकिन साइंस में नहीं। कोई भी स्मोकर को अगर मच्छर खा जाए ना वो नहीं मरती। यार मुझे ये बताए ना, ये सीजन आपने कागज निकाला, मेरी साइंस में कंबाड आई थी, ये कागज निकाला यार, ये पिछले कमरे में शुरू से निकाला था, पेपर पे लिखा हुआ था। यार बातें आप मेरे बारे में करते हैं ना, मैं हैरान हो जाता हूँ यार, या तो अखबार कोई जादू है ये बिता दो यार, जो आप बिल्कुल 100% होती है, मैं हैरान हो जाता हूँ। प्लीज नहीं मैं देखा, मैं ना जो बस 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 इतनी कठिन ना बोला गया। एक ही सांस में बोल लेता है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, इंसानी जिस्म भी क्या ना मछली की तरह। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा जावेद भाई बात कर रहे हैं? जी जी मैं बात कर रहा हूँ, बोलें प्लीज। अच्छा मुझे आप बताएं कंसेप्चुअल स्किल्स के बारे में थोड़ा सा बता दें आप। कौन सी कंसेप्चुअल स्किल्स? कंसेप्चुअल स्किल्स कंसेप्चुअल होता है कि आप किसी चीज को भी स्टडी करते हैं तो उसको पहले आपने अंडरस्टैंड करना है। इनको स्टील कील के बारे में बताएं। उसको समझ कर और फिर गौर फिक्र से समझ कर पढ़ना है, इसको कहते हैं कंसेप्चुअल स्टडी। कि आपने एक होता है रट्टा मारा हुआ है वो विदाउट अंडरस्टैंडिंग है कि आपने चीज याद करके लिख लिया है लेकिन उसको अंडरस्टैंड नहीं किया आपने, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं दे सकते आप उसकी। तो अच्छा साइकोलॉजी के बारे में बता दें आप, साइको लिखते हैं मुझे। सॉरी साइकोलॉजी के बारे में जवेद भाई, आप इनको तीन टांगों वाला स्टूल के बारे में बताएं। और छह कानों वाले शेर के बारे में। यार ये मार्के का बंदा फिर। और स्टील कील के बारे में। स्टील कील के बारे में। वो पहले वो समझा देना। टेन नंबर स्टील कील। हाँ साइकोलॉजी के बारे में पूछा ना, साइकोलॉजी इस जो ना सब्जेक्ट है इंसान के अपने। फिर डेफिनेशन कर दें इसकी, आप डिटेल में ना जाएं। अब मैं बताता हूँ, साइकोलॉजी जो है ना सब्जेक्ट है अपने चेहरे और जिस्म के डिजाइन को। इंग्लिश में करें, इंग्लिश में, मुझे उर्दू में नहीं आ रही है सर। यार साइकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट।
ability to do something. यार भूलने नहीं आपको वो इतना सोचता है स्लेट लगी हुई है उसने काली ये मुझे पूरी उम्र ये दवा कर रहा था कि कोई मुझसे ये सवाल कर ये डेफिनेशन हाँ ये डेफिनेशन एट क्लास में इसमें ये फेल हो गया वो कहते हैं ना तेरा भी कभी पढ़ा है पूछ उनसे जो किताब नहीं नहीं वो बच्चा सिर्फ अंग्रेजी समझता है ये डेफिनेशन पूछिए ये तो बड़ा यो बच्चे डेफिनेशन मुझे बताए ना आप डिटेल में ना जाए मैं यही कह रहा हूँ बॉडी इट गिव्स यू योर बॉडी विजडम एटीट्यूड के बारे में बता दें एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन गुड इंटेलिजेंस योर गुड एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर इंटेलिजेंस अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं आप चाहे आप कितने इंटेलिजेंट हैं आपकी जीरो वैल्यू है अगर आपका ब्लॉक अच्छा है तो आप ज्यादा अगर आपका ब्लॉक अच्छा है वो भी बताए ना पिस्ता आइसक्रीम का सबज रंग सबज पिस्ता आइसक्रीम सबज रंग वाले जो अगर वो मीडियम साइज लेंगे तो साल के 3 स्टिक मिलेंगे ये इनको समझाने ये बात सही है कि आधा लीटर बेहतर है या 3 कोन लेना ये तो अपनी चॉइस आप बंदे की आप क्या वो इंतखाब नहीं वो राय ले रहा है आप ऑन द चॉइस ऑफ डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट चॉइसेस इट डिपेंड्स ऑन योर ऑन लाइक्स एंड डिसलाइक्स आपका नाम क्या है अकील बात कर रहा हूँ अकील क्या हालात है ये इन्होंने आपको सेटिस्फाई किया कि इनको आपने जो सवालात थे बस थोड़ा बहुत किया वैसे अच्छा था वैसे मैं इनसे वैसे बात करना चाहता था नहीं ये जो भी इनसे बात करते हैं है तो बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी कोई और सवाल है आपका नहीं कोई और फिलहाल तो नहीं है वैसे मैं आज इनसे वैसे मैं बात कर लेता मैंने कहा दिल कर रहा था मेरा अच्छा अच्छा नहीं अगर आप चाहते हैं आप दोनों डायरेक्ट हो जाए डायरेक्ट नहीं नहीं थैंक यू असा कुंडा बंद कर देने अपना थैंक यू बसी भाई अल्लाह हाफिज़ ओके ऑलराइट यार भाई किधर जा रहे हो यार अभी तो मैंने तुमसे सवाल पूछने यार वकील भाई आप कॉल कीजिएगा ये तो जरूर ये तो यहाँ बैठे हैं हमेशा हाँ हेलो हाँ जी कौन बोल रहा है ओ उमेर क्या हालात है दैट्स गुड तुम्हारा कॉन्फ्रेंस कॉल हमने थ्रू कर दिया जावेद साहब के साथ भाई जावेद मेरा नाम से पुकार लो तो यार ये ऐसे सही कहते हैं हेलो यार बात भी सुने ना यार जवेद साहब वो नहीं उनके बेटे पाकिस्तान ये तो बहुत जबरदस्त एक्सेंट है ये तो सिर्फ बांगड़ू भाई है इनसे ये बिल्ली के बच्चे बोल रहे यार वो बिल्ली के मेरा बिल्ली का बच्चा ना यार तो बंदर वाला तो नहीं है बाद आ जाओ बच्चे इंसान के बच्चे फर्क तो कोई नहीं है ना यार मैं कॉल इसलिए लाइन सुना था कि तेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो बच्चों पे शादी पे सिपा चले के बच्चे भी मतलब फ्रेंडली होते हैं और एक नियमित होती है पहले वाह वेल डन मैं मैदान जीत गया एक बात शर्म कर ले यार वैसे तो ये उस पे भी बात जीत गया ये बिल्ली के नहीं मेरे बच्चे मगर उमेर का सिर्फ कॉल नहीं था ये कंसेप्चुअल कॉल ये जी ओहो ये पहली दफा जावेद साहब का बैलेंस खत्म हुआ जी आज हां धन्यवाद साहब वालेकुम अस्सलाम मुझे ये सलाम से थोड़ा शक हुआ ये बहुत मुश्किल से इसने ये कहा हाँ
ये पहले वो जरा गोरे टाइप बच्चे जो वीजा मांग रहे हैं पाकिस्तान ओके गुड बाय अल्लाह हाफिज ऑलराइट ठीक है ये तो बहुत आला था ऑलराइट यू कैन जॉइन अस ऑन फेसबुक फजी ज़का ऑफिशियल यू कैन एसएमएस अस एट 9191 कुछ एसएमएसेस पढ़ लेते हैं 9191 में परियान अस्सलाम वालेकुम फजी भाई ऑल इज गुड आप कल कहाँ थे मुझे आपका इजहार था आप ऊपर दिन सेट पर करें हम का फैन है आप बता दें उर्दू सॉन्ग्स प्ले किया करो अच्छे स्वीट भाई ओके सलीम सेज लाहौर से सलीम सेज जावेद ने डॉक्टर ममसा के ऑर्डर पर साइकेट्रिस्ट को दिखा लिया अपने आप को एंड आई एम राजा वजाल राजा एसन राजा मुनीब राजा नवाजिश राजा एहतशाम राजा यासिर राजा असद राजा अदनान राजा गालिब खोकड़ ग्रुप एन सेड़ी चौक पुलगड़न से एक सॉन्ग प्ले कर देना कभी ऑलराइट एंड यू कैन जॉइन अस ऑन फेसबुक एज वेल फसी ज़का ऑफिशियल एंड यू कैन एसएमएस अस एट 9191 सलमान खान के थे एंड लेट्स सी उस्मान चिनुवान से जुमेर नदीम को मेरी तरफ से एक थप्पा ओके ये शाबाशी का होता है या ये शाबाश के लिए भी होता है ओके अच्छा तो ये जरा वैसे एम्बिग्यूस बात की है उस्मान चिनुवान ऑलराइट ब्रावो सलीम से जुमेर नदीम का काका छा गया बच्चा ये बात सही है सबा मलिक से जुमेर भाई क्यों अपने बच्चे पर भांगड़ू का असर दिलवा रहे हो ऑलराइट लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक वी विल बी बैक सून There's no better way to fly. Fly Emirates. Hello tomorrow. All right, we're back once again. This is Radio NFM 91. And remember, if you want to call us, the number is 051-111-111-191. And Fuzzy Bhai, I love your show, especially the call of Javed Bhai, says Rukia from Islamabad. Thank you so much. Aap hume SMSs bhej sakte hain 9191 pe. You can join us on Facebook, Fuzzy Zaka Official. And Madia Khan says, hello, everyone. And Mohammed Farooq says, ADD. Chalo, paise kamao. وزارت اے ڈی ڈی آج کا شو کی خاص بات اے ڈی ڈی ہے سیز محمد فاروق فزی بھائی کال می نمبر نہیں لگ رہا سیز زمل خان اینڈ حسنین کاظمی سیز پروفیسر آپ کا پاگل خانہ کدھر ہے اینڈ عمیر ندیم سیز سوری فزی بھائی دانیال واز سکریمنگ اس کا موڈ آف ہو گیا ہے آل رائٹ اینڈ شکر ہے جان چھٹی سیز محمد فاروق زمل خان از لافنگ And let's see what else we've got. And logon ne waise bade impressed hue hai ke Javed bhai ko sab kuch definition itne zabardast aate the. And Mohammad Farooq waise puche lander ke masale ki quantity batao. And wow, Bangaru genius says Haya Ali. All right, more SMSs at 9191. You can call us at 051-111-111-191. You can join us on Facebook. Fuzzy Zaka official. All right. Let's see who we've got. Okay. And what else is there? So Malik bhi kehte hain Fuzzy and Tareem. Welcome Fuzzy bhai. Chachi says Ali Shahid bhai ne chachi ko page par block kiya hua hai. Says Usman Chanuawan. Pata nahi. جنات نے بلاک کر دیا Alright, Madia Khan says hello everyone. And Umair Nadeem kehte hain, wishing my friend Mavish best of luck and get well soon. She had a minor surgery. Well, Mavish, I hope you get better soon. Okay, SMS is 9191. You can call us at 051-111-111-191. You can join us on Facebook, Fuzzy Zaka Official. Innocent Maya says, slam. ٹھیک ہے اس کا ویسے مجھے مطلب نہیں آتا alright and hello hello جی عمیر
कौन सा उमेर? शोफर कॉलोनी। शोफर कॉलोनी ईदगाह शरीफ पिंडी से वसीम भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये फोन को इतने नजदीक रखने की क्या ये शौक कैसे पड़ी? हमारा आवाज है ना, तू रहता है जी। ये जरा सा फोन को सांस ले दे दो, साइड पे जरा उसे भी हवा लग दे दो, लग रही हवा। अच्छा गुड, तो क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, फ्री। आपने पहले कॉल की थी जी? क्या बात हुई थी? एक ग्वाल मंडी में ईदगाह के बाहर छोले खाते, ये तरीम भाई से गपशप हुई थी। किस चीज के बारे में? वो सीवी के बारे में। ओ जिसे हमने रिजेक्ट किया था। तुझे क्या पता सीवी क्या होता है? तू वो सीवीज बनाते हैं लोगों की ना जी? करिकुलम का स्पेलिंग मुझे जरा बता। किसकी? सीवी का मतलब क्या होता है? करिकुलम विटाई। हाँ तो करिकुलम की स्पेलिंग बता ना। CURRICULAR नहीं, CU पूरे डबल आर आई CU एल यू एम। वेल डन, तुझे तो पता है जी। तू तो वाकई फिर एक्सपर्ट है। वो एक दफा एक बंदा आया था तो उसने कहा सरकारी जबान उर्दू होगी, उर्दू में आप सीवी बना के दो। अच्छा, तो मैंने उसको कहा कि उर्दू में सीवी को क्या कहते हैं? तो वो कहता है नेट है, गूगल से सर्च करो। अच्छा, 10 मिनट सर्च किया, उसने कहा रहने दे यार। इसका आप फिल्म क्यों नहीं बनाते इसे? ये स्टोरी का स्क्रिप्ट लिख के ये तो किश्तवाड़ ड्रामा भी बन सकता है। बंदी उसमें कास्ट कर दो, आयशा खान जी, अली जफर तेरा रोल अदा कर लेगा। लेकिन म्यूजिक सनसनीखेज डालना, ठीक है ना? मगर ये स्टोरी ऐसी है, वो असल में बांगड़ू से मिलूंगा ना, फिर इसका स्क्रिप्ट ठीक बनेगा। अच्छा, ये इस पे सोच यार, ये तो ये फिल्म फिर हम उसमें चलाएंगे। वो जो लोग होते हैं ना जो बहुत बीमार हो जाते हैं और बहुत अजियतनाक जिंदगी, या एक हफ्ते या दो हफ्ते उनके रहते हैं, बीमार होते हैं कुछ, लेकिन वो जो दो हफ्ते होते हैं ना वो जुल्म होते हैं उनपे, उनको ये फिल्म दिखा के, ठीक है ना, कि वो फिर जल्दी फर्क, आप जल्दी निकले। कुछ तो नाम सुन के ही निकल जाएंगे। ये आज हम ये ले बेटा पॉपकॉर्न, आप देखेंगे करिकुलम बैठे। तो और क्या कर रहे हैं आजकल? बस सोच रहा हूँ तरीम भाई से टांका जोड़ू। यार तू मेरे पीछे क्यों भाग गया? बता, इतना बचपन से एक्टिव था तू। ये प्लम्बिंग कर सकेगा? प्लम्बिंग कोई आसान काम तो नहीं है इसको, ये प्लम्बरिंग कर सके। हाँ ये उसमें कर, ये पाइप शायद नट शायद घुमा सकते हैं। अच्छा, ये टूटी शूटी चेक कर लो। ये है यार, तू उधर मुस्लिम स्कूल के पास आगे पीछे रहते? नहीं, उधर कोई मुस्लिम स्कूल नहीं है यार। लियाकत बाग के पास नहीं है? नहीं भाई, यार है ना मुस्लिम स्कूल नंबर 4, इसके घर के पास एक बूसो वाला है। अच्छा फसी भाई जी, जी बहुत सुस्त में नहीं किया। हाँ वो क्या नाम है, आप एक लफ्ज पढ़ने में बार बार गलती कर रहे थे जी। जी बताए सो जी, वो आप एक गांव है उसका नाम अभी मेरे जहन से निकल गया है, ये इधर था क्या नाम है, आप उसको पढ़ते थे, गलत पढ़ रहे थे। नहीं नहीं, 2-3 दफा आपने पढ़ा है लेकिन गलत पढ़ा है। तुम्हारा गांव भी वही है? नहीं क्या है वो लखपक्का करोड़पक्का करोड़पक्का इस्लामाबाद का कोई है इलाका, आप गलत पढ़ रहे थे। बारह नहीं था, एक और था मेरे जहन से निकल गया, मैंने 2 दफा आपने पढ़ा है, 3 दफा।
किसी का मैसेज पड़ा है। परियान? नहीं नहीं यार, तेरा जी नहीं पटूड़ है। आज तूने क्या किया आज सारा दिन? आज आप आज ये तरीम भाई से बात किए कंफ्यूज हो गया। नहीं यार, मैं तो बोला ही नहीं अभी तक। अरे ये बात इसकी बेस्ट है, इसने कॉल की है मुझे करेक्ट करने के लिए, लेकिन भूल गया कि कौन सी चीज थी। बिल्कुल जैन से ही निकल गया। अच्छा फुल ग्रह याद आ गया, फुल ग्रह है वो। अच्छा फुल ग्रह, हाँ गाँव बना है ना। हाँ फुल ग्रह कहते हैं, फुल ग्रह पता नहीं अब। अच्छा फुल ग्रह, हाँ वो उधर क्या बहुत ज्यादा पीले नीले फूल है? नहीं वैसे ये फुलग्रह ऐसे ही साइड पे है ये मेरे। ये इसके लिए ये तूने सवाल का जवाब नहीं दिया, तू बचपन से इतना एक्टिव था? नहीं बचपन से इतना एक्टिव नहीं। ये चीज मुझे इसमें अच्छी लगती है, है रिलैक्स आदमी, बिल्कुल रिलैक्स, जो कुछ मर्जी ना सड़ी गले ना इसके, बस आ भी जाएगी यार जरा जल्दी पैसे वापस कर दे जो बच गए। एक मिनट जरा सब्र, पूरे सही तरह गिनता है उनको। और इसने इसने पूरे पांच दफा गिनने, और उसको भी कहेगा प्लीज मेरे सामने तो गिन के लेके जाए, कहीं कम ना हो जाए। ठीक है हम अब निकलते हैं, आपको भी रेस्ट कर। आपको ऐसा जरूरत है, ठीक है ना? Okay, thank you. All right, more SMSs at 9191. Calls at 051-111-111-119. Join us on Facebook, Fasee Zaka Official. How are you? This is Riyaz from Karachi. Keep talk. Hello, me fella from Pindi. Bahut mazey ka show hai. This is Harima Baji ko salam kijiyega. Zarur salam. And you can join us on Facebook, Fasee Zaka Official as well. And all the things. Hey, bolo mere jaane ka. क्या लोग हैं इसके घर के करीब तो 60 रुपए में 5 किलो किनू बच्ची वाला रेड़ा है, ठीक है ना? एंड कश्यप टाइगर सिर्फ इतना तो इंटेलेक्चुअल ना बन, तुझे नहीं पता फसी का भी ऑक्सफोर्ड का डिग्री है। एंड देन अकील अहमद सिर्फ जान छोड़ यार तू पिंडू का बंगड़ू निकल गया। एंड देन ये शायद फुलगरन की कह रहा है, इसे हुसैन काजी आप से ही करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? मुबारक बात कर रहा हूँ। कैसे हो मुबारक? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। और इस्लामाबाद में कहाँ? समय F61 देती है। कहाँ? F61 में। F61 में तो एक काम कीजिएगा, ये रेडियो तो बंद करें ना। हाँ बंद है, बंद है। आप करते क्या है? मैं मुलाजमत करता हूँ। अच्छा वेरी गुड, तो आज कैसे कॉल किए? बस ऐसे दुआ सलाम दे। अच्छा तो आज दिन आपका कैसे गुजरा? अच्छा गुजरा। क्या लाते हैं ये तो हमारे स्टार ने कॉल किया। बिल्कुल तू कहाँ से आ गया यार? अपने घर से यार, मैं इस वक्त आप लोगों को सुन रहा हूँ। तेरे क्या लाते हैं आजकल? तू क्यों तू कोई तनकीद करने वाले बता दे। खैर यार पॉसिबल मैं किस पे तनकीद करूँगा यार? ये करो बस 24 तारीख को पसी भाई मेरे डेट आ गई है टेस्ट का ना। हाँ अब देखता हूँ क्या तीर मारता हूँ पसी भाई। नहीं इंशाल्लाह अच्छा होगा, बस तू अब बैठ जा पढ़ने पर। हाँ और क्या, अंडों पे बैठ। अंडे छोले वो कर टेस्ट में तुम। और फसी भाई मैंने उस दिन आपको जिंदा देख लिया था चाहिए पर अच्छा। आज तुमने क्या मगनतीस तो नहीं खाया? नहीं नहीं यार, ये आजकल गिचके खा रहे। ओ यार अली भाई यार क्या कर रहे, सही खाना खाया यार? इसने मुझे जिंदा देखा था।
सी भाई आओ मत लाल उठा ही दे वो ये बात तो बिल्कुल तूने ना मच्छरों वाली की है। हाँ वो मच्छर जिसने जिंदगी में एक लड्डू भी नहीं पकड़ा। नहीं पहले मतलब वो मच्छर है जिसने सिर्फ जो मरी हुई मछली है वो दुकान में देखी है। बस पसीबाई मैंने देख लिया तो बहुत खुश हुआ। फिर मैं वो शो भी रेगुलर देखता हूँ पसीबाई। अच्छा अच्छा थैंक यू। तो बहुत पसंद आया। तो मैंने ये अली और शेरिम जैसे कोई क्वेश्चन ही और शो नहीं करते हैं। क्या तूने क्या दोबारा रिपीट कर बात? क्या अली लोटे कोई और शो नहीं करते तुम? मैं तो इसे मुच्छों से पकड़ के घुमाऊंगा। मुझे समझ आ गया ना। मैं तो कान में बाली पहना के उसमें रस्सी बांधूंगा। नहीं यार क्यों यार गुस्सा कर रहे हो यार? मैं तो ये लय दंडी से ऊपर पहाड़ी पे छोड़ के आऊंगा। और यार तू किसी जगह चढ़ नहीं सकता यार, पहाड़ी पे क्या चढ़ेगा यार? यार तेरी फोन पे अपने मामे से तो बात नहीं कर रहा। ख्याल कर तो यार सही बंदे दोस्त से बात करो यार। अली भाई तेरे भाई सचिव भाई यार तो यार फ्रेंड्स हो यार। हाँ। मामा चाचा कहाँ से आ गया यार? अगली जब तू अगली कॉल करेगा ना ये यार जो तो सीरियस भी होता है मैं नोट किया। अच्छा हाँ। जो अगली तू कॉल करेगा ना उसके साथ तूने अपनी जेब में चूहा प्लास लेके आना है। वो प्लास तुझे चूंटी लगाएगा। हेलो हेलो वालेकुम सलाम साकिब। हेलो ओए क्या तेरी यार तूने क्या किया? कॉल जाए किया है तूने तो आज कोई खेलने वाला रूप आज करेला लग रहा है तू मुझे बिल्कुल यार। पता नहीं क्यों तेरे दिमाग में स्टील कील है वो जंग वाली। नहीं यार फसी भाई और देख लो सकते कोई मछली आ जाए। फसी भाई बात सुन तू आज फॉर्म में नहीं है ये मसला है। और यार फसी भाई टेंशन में हो मेरा टेस्ट आने वाला है फसी भाई बस उसके थोड़े चक्कर में हो ना। हाँ तो बस उसका मसला क्या है इस्लाम बात क्या ना? तो नहीं यार मैं खन्ना पुल के नीचे रहता हूँ यार सही इस्लामाबाद में हूँ यार। ये सही इस्लामाबाद है खन्ना पुल के नीचे? मैं मतलब उधर सही जगह पे रहता हूँ इस्लामाबाद में रहता हूँ यार। क्या करो यार हमारा इस्लामाबाद में तो एक पुल भी नहीं है वो सारे ब्रिजेस है। सारे ब्रिजेस आज सुबह तूने रेगमाल से दांत साफ किए थे? नहीं जी आज कल रेगमाल छोड़ दिया इसने। ये दरख्त को चक मारता है। कहते मैं सिर्फ गुलेरी का खून पीऊंगा। और गुलेरी से पकड़ा ही नहीं देती। इतने में खाने का टाइम हो जाता है दोपहर के। कहते चलो कल दांत साफ करूंगा। आप खुद सर्फेक्सल से साफ करते हो तो मुझे हमारी तरफ क्यों आते हैं? मैं तो शापड़ में लपेटा दूंगा। तुझे हाथी के दांतों के साथ मान देना हमने। वो समय तेरा किला होगा। यार बस क्या करूं यार पति भाई यार एक काल तुझे दी तू उसको नहीं हैंडल कर सका यार। मेरा दिल कह रहा है तुझे लाल गन्नों के खेतों में बांध लो। तू अब इतना एक्सपीरियंस आदमी है आज तूने क्या किया? अगर तुझे बेलचा दे दे तो तू क्या करेगा? नहीं करूंगा क्या करूंगा। वालेकुम सलाम हेलो हेलो वन नाइन फोन ये स्टेशन है जी आपने सही जगह और सुनाओ भाई अल्लाह का फजल है आप सुना खैर के शो सुन रहे हैं आप? बिल्कुल आज शो सुन रहे हैं आज बरसात की
मैंने आपने हमने बोला कि आपसे बात कर ले। अच्छा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, आपने मुझे आपकी मोहब्बत है आपने मुझसे बात की है जी। फरमाए अच्छा। क्या करें क्या कहेंगे आप? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार मेरी जिधर भी मम्मी कहता है तो मम्मी मेरी टूट जाती है, ये क्या मसला है? ओ यार तो ये अखबार की इश्तिहार तो तू निकाल नहीं की यार कि मैं उधर इश्तिहार लगाऊं कि इसके लिए मंगली को कोई यार सही बात करो, क्या बात की है यार? यार बात क्या कर रहे हो यार? या नहीं तो शर्ट शर्ट हेलो यार साकिब ये तूने क्या किया? साकिब क्या कर रहा है तूने आज किया क्या यार? आज तो यार दूसरे बंदे को भगा दिया यार, तू ये आज खुला साबुन बना तू हॉस्पिटल में जाओ खटमल मार जा और बेड शीटें चेंज कर उनकी। तुझे हुआ क्या यार ये तूने यार ये तूने किया क्या यार? दूसरी कॉल तुझे दी है यार 91 असगर बॉलिंग वाले के साथ जाएगा कल, ये कॉल चल तेरे बस के नहीं है यार, तू बस बॉलिंग वाले का हेल्पर है आज। कोई और ट्राई करो यार, देखो यार मेरा भी अभी बैलेंस खतरे में है यार कुछ। ये इसको कल बड़ी बस के साथ कंडक्टर लगवा दें जी आप, या ये छोटी नहीं इसे टोयोटा आईएस के साथ लगाते हैं। वो सही है ना, अगर ये सही चीखे नहीं मारेगा वहीं से कनपट्टी पे लगाएगा। और ड्राइवर भी इसका चाचू होगा अपना, बात सुन सवारियां चलाना ये ना हो कि चाचा और तू मिल के वैगन कहीं गांव ले जाओ। यार वो तो पायलट के साथ भी फैमिली अलाउड होती है तो मेरे साथ बस में नहीं अलाउड हो गया। यार तुझे दो कॉल दी हमने आज यार, वैसे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी खंड मंडू। तूने अच्छे भले अंगूरों को किशमिश बना दिया यार, वो भी ताजा अंगूरों को किशमिश, तुझे पता है साल लगता है किशमिश बनने में। यार क्या करो कॉल आई मैंने बस हेलो किया ऊपर से बंद हो गई। यार कोई सही बंदा कॉल करे यार, बैलेंस का मसला होता है यार। तूने आज खफा किया मैं यार। तू आज कौन सी फिल्म देखी है तूने? आज कुछ भी नहीं देखा है यार, बस जैसे दिन गुजरा। कल आपको शो नहीं करता हूं पर तीसरी दफा देखी है। अब वो जो सीडी किराए भी देते हैं वो कह रहे हैं कि अगली दफा मुक्त। आज तूने वक्त किन के साथ गुजारा है वक्त ज्यादा? चम्मच मेरी बात सुनो यार, मैंने सही वक्त गुजारा है यार। किन के साथ गुजारा? आज तूने ना बिल्कुल बटेरे वाली हरकत की है। सही सही बता आज आजकल तू कितने तेरी कंपनी किन लोगों के साथ? ऑस्ट्रेलियन तोता समझता था ये तो यार, ए, और बटेर भी वो एक टांग वाला। कोई चेक करो, कोई नहीं है, कोई दूसरा कोई नहीं आया पॉसिबल, चेक करो यार। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? तो खैर स्पीकरों वाले ठीक था? खैर खैर, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते थे। हाँ क्या सुनाओगे बच्चे? हम तो आपके सुन रहे हैं, हमने क्या सुनाना है आपको? नहीं आपकी आवाज तो खूबसूरत है। आवाज तो बस अल्लाह ने दी है, खूबसूरत तो होगी ना। माशाल्लाह क्या बात है यार, दिल करता है तुझे तेल के बोतल में बंद कर दूं और जोर जोर से हिलाऊं तुझे बच्चे। अच्छा तो जो आप तो पहले बोतल से निकल गए हो ना, और सुनाओ यार क्या आजकल जबरदस्त फिटफाट? बिल्कुल जबरदस्त फिटफाट, आप सुनाओ क्या हाल चाल है आजकल? बड़ी आज चुड़ियां चुड़ियां बेच रहे हो, चावल का प्लेट का कराया यार? हम तो बड़ी मान से खा लेते हैं सरकार का लंगर, आप सुनाओ कोई यार उधर उधर तुझे छोड़ लेते हैं बड़ी मान वाले यार। बिल्कुल छोड़ देते हैं, आप मेरी बात का जवाब दो ना, कालीने शालीने सही बिक रही है आजकल यार? मैं तुझे बता रहा हूँ उधर तू वहाँ से भी उन्होंने थर्मोस का बिजनेस किया, उसका क्या बना है? किसका बिजनेस? थर्मोस बेचने का। और लंडे के जूते, मेरी बात सुन यार। ओए किस तरीके मुंह वाले जरा संभाल के, बस क्या बताए यार। और सुनो कौन सा गाना सुनोगे? आपके लिए खूबसूरत सा गाना प्ले कर दूंगा यार। नहीं नहीं हमें कोई गाना नहीं सुनना है, हम आपको ही सुन रहे हैं बहुत है। यार साकिब ये तू क्या कर रहा है यार? साकिब इतना हैवी हो गया जिले में यार, यार तू बर्फ पे स्केटिंग करते हैं ये तो सीमेंट में शुरू हो गया।
यार क्या बताऊं यार, तू आज तूने बिल्कुल साकिब आज तू बासमती से टोटा चावल हो बर्फ को शॉपर में डाल के बैठ गया और ऊपर से उठा के देखे जा रहा है देखे जा रहा है। तो मैंने पूछा यार क्या कर रहे है, कहता है यार ये देख रहा हूँ लीक कहाँ से हो रहा है। अच्छा एक बार बड़ी गलती से काउंटिंग कर रहे हैं ना, मैंने कहा अच्छा ये बता कि दो जमा दो पांच कैसे होते हैं, तो कहता है पता ही कोई नहीं है, बल्कि मेरे से पूछ रहा है ना दो जमा दो पांच कैसे। मैंने कहा तुम बताओ, कहता है यार तुम्हें नहीं पता है दो जमा दो पांच तो गलती से होते हैं। इस मरतबा तू जरूरी फ्लॉप हो गया यार, हर बार भी ना मारा करो यार। ये तुझे पता है साकिब के दिल से निकली है ये। चले कोई बात नहीं, हर बार बंदा कामयाब नहीं होता, कोई या नाकाम बिल्कुल। वैसे इसने साकिब को बड़ा टफ टाइम दिया है। जी साकिब भाई रह गया जी भाई, यार किधर मैं रह गया यार, साकिब का ये कारण है, साकिब जाके काली ना बेचे बस। वो पट्टी जेब मेरी बात सुनिए, हर जगह तू लटका होता है, किसी जगह पे आज तू इधर लटक गया है। यार साथ छोड़ यार, एक्सपायर और दवाई की एक्सपायर बोतल में है और यार ये सारे बात अपने एक्सपायर हो गया है। सुना चल तेरी बात सुन लेते हैं, बोल मैं जाके अपनी भैंस कराओ। ओ यार तूने मेरे ख्याल से भी चरा कराया, उससे बात ही अब मुझे कह रहा जाके चरा कराओ यार। हाँ मैं तो चरा है ना, अब मेरी तो खत्म हो गई है, आप ही रह गई आप जाए ना, बस आखिर में तो फ्लॉप हो गया बच्चे, देखो यार खत्म हो गए, दो तीन जुगत लेकर आया था वो भी तूने आपने बड़ी दो घंटे से 10-12 सुनाई है, नहीं सुनाई है, और तूने दो तीन जो है ना गोलियां बचा के रखी तो वो जाया हो गई बच्चे, ऐसा कुछ और निकल रहा है। अली भाई ये ना एक बार गया उधर उसके खरबूजे वाली रेडी पे ना, तो खरबूजे देखने लायक पड़ा, तो उसने इसको जो है वो एक खरबूजा काट के चेक भी करवाया। काटने के बाद कहता है भाई ये सारे ऐसे होंगे ना मीठे, सारे फीके तो नहीं निकलेंगे ना, उसने कहा 40 अब सारे फीके दिखाता हूँ। उससे कहता है ये फीके हैं खाने के बाद ना, तो उसने कहा ये फीके तो नहीं है सारे, तुझे खिला के अब चेक कराऊं मैं। ओए सिर्फ वो चावल में सिर्फ जो ना गोश्त खाने वाले भाग जाए यहाँ से, अभी तूने जो ना फिर अभी टाइम खत्म हो गया है, तू दो तीन जुगत मारी है यार बस खत्म हो गया तू यार। इतना जल्दी हमारा टाइम नहीं खत्म हो सकता। ओए जा अपना ट्विटर ले ले जाके सो जा यार, जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन क्या हुआ था भाई दो यार, देखो क्या सवाल कर रहे थे जवाब तो देना आप यार, खरगोशों को नहलाने वाले। आज साकिब की दाल यहाँ पे नहीं गलेगी, जाकर दरबारों पे खादे चढ़ाओ यार। साकिब तूने आज यार वैसे ना यार ये कोटा सिक्का पता नहीं कहाँ से आ गया। तू कह रहा था कॉल लो और कॉल लो, ये तो कॉल ही लिया है यार। अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई कभी कभी छोटा सा कभी खड़ा हो जाता है, बच्चा आ गया सब सारे जुगत लेकर आ गया मेरे साथ मुकाबला कर रहा है। साकिब का आज स्टाफ खत्म हो गया, इसके स्टाफ में दो ही जुगते थी, वो दो शो में इसने चला दिया, बहुत हो गई। साकिब वैसे बहुत टफ जा रहा है भाई, बहुत जी बहुत। हाँ ये बड़ा मुँह वाला उसको उधर कान में कोई बता रहा है, इसने दो तीन जुगत वाले बताए हुए अपने, नहीं उसने तीसरी जुगत भी तुझे लगाई है डिस्प्लिन के मुंह वाला का है। डिस्प्लिन के साथ साथ उल्टी स्त्री के मुंह वाला। यार बच्चा फॉर्म में, ये जो है ना ये लंडे के बाजार में सही जूते बेच कर आया आज, इस पर फॉर्म में लगे यार। थाकिब तू रह गया यार आज, स्त्री की गैस खत्म हो गई यार। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फारूक बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। मोहम्मद फारूक
आज आपने साकिब का पट्टा बिठा दिया। नहीं साकिब का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने कहा वैसे आज थोड़ा साकिब बार बार इंसिस्ट कर रहा था कॉल करने का। साकिब आज भी तेरी तरह लपेट के ले गया। बन के तो आज शेर आया था लेकिन जा गीदड़ की तरह रहा। गीदड़ नहीं जी, लगर बगर बीमार बीमार वो टूंडा टूंडा लगने आज तो ऐसे लग रहा साकिब को डंगी वायरस हो गया। और टू टू करने वाले कंडक्टर मेरी बात दरबारों पे सिक्के इकट्ठे करने वाले तुझे फेसबुक आती है कहाँ से तूने फेसबुक सीखे यार तू कितना ज्यादा बातें ना कर, मैं तेरा व्हाट्सएप तबाह कर दूंगा। मेरा तो व्हाट्सएप नंबर ही तेरे पास नहीं, तू क्या तबाह करेगा बच्चे। चलो बात देखो, मैंने फेसबुक का सवाल करा, तू व्हाट्सएप वो बड़ी हाई स्टैंडर्ड का चीज है बच्चे, उस पर ना जाओ। आप लाइन पे आए ना फिर आपका जब तबाह हो जाएगा फिर पता लगेगा। फेसबुक पे रह जाओ, टू टू करने वाले अभी फेसबुक पे रह जाए। साकिब जैसे बंदे ने अपना मैथ का टीचर रखना चाहा ना ट्यूटर, तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर देखे। एक ट्यूटर को इन्होंने फोन किया, बहुत अच्छे हाई स्टैंडर्ड के ट्यूटर थे, तो उनको फोन करके कहते हैं अच्छा सबसे पहले तो मुझे बताएं कि मैं आपको अपना ट्यूटर रखना चाहता हूँ ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अच्छा कहते हैं जी सबसे पहले मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि आप मुझे पढ़ाने के लायक भी हैं कि नहीं। और ये जुगत थी पता तो चली है। ओ खुदा का खो, तो जुगत को बदनाम कर रहा है। ये चक्कर था। और लंगूर ज्यादा ज्यादा बातें ना कर लंगूर। और लकड़ बकड़, और लकड़ बकड़ मेरी बात। आज तूने गोलियां पीकी है, एक दो सही लगी, आखिर तूने सारे जो है वैसे मारी है यार। तू कोई सीधा से कोई जबरदस्त सा लेकर आ यार, तू जाके थोड़ी और जबरदस्त सा क्या, मैं अकाउंट लेके तेरे में आवाज डाल दूं। आप यार आवाज का छोड़, तो अपने जुगत में थोड़ा दम डाल यार। जुगत में दम ना हो खुले देखने वाले। ओए जा, ओए जा, कोई तावीज तावीज कोई दम दुरुद करके आ जा, जुगत लगेगा यार। हमारा तो तजुर्बा बोलता है दम नहीं करते हम। बस ठीक ठाक, नहीं बहुत अच्छा किया आप दोनों ने कॉल किया। बहुत मजाक चलता रहता है, तो बाकी है कि वैसे मैं साकिब को बहुत अच्छा फैन हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छा सुनता हूँ, खासतौर पे तरीम भाई की प्रॉपर्टी तो बहुत बिकती है, पर ये बाहुबली वायरस क्यों नहीं बेचते। ये बस आपको पता है, वो भी बहुत जबरदस्त आदमी है लेकिन उनकी फिलासफी जो है वो नहीं समझ आती, बाकी जबरदस्त है। लेकिन लोगों ने आप दोनों की बहुत तारीफ की है। बहुत ज्यादा। हाँ बहुत। हाँ वो मैं क्या कर लेता हूँ, कितनी तारीफ हुई है मुझे। हाँ। तो ज्यादा जोक ही मिले होंगे। मोहम्मद तो, बिलाल अवेस आखिर में कहते हो बहुत सही कहते हैं कि बहुत टफ मैच जा रहे हैं, बहुत टफ मैच है। उमेर नदीम कहते हैं साकिब हिट्स अ सिक्स अगेन। मोहम्मद फारूक आई एम शॉक्ड कि आखिर में वैसे साकिब ने कम बैक कर लिया। जी बिल्कुल किया। और नूर हरम कहते छा गए साकिब भाई, एंड सारी जोक्स का रटर लगा के आया, सो मेनी चुस्त सेज हया अली, एंड अरहम बट सेज नेवर लेट साकिब भाई डाउन फीलिंग जॉयफुल, एंड उमेर नदीम जरा शॉक्ड है कि साकिब भाई व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करता है, एंड आज साकिब को लेने के देने पड़ गए थे सेज मोहम्मद बिलाल अवैस। और इन साकिब जुगत नहीं मरता, जुगत पर तनकीद करते हैं सिज उस्मान चनू अवान। हेलो भाई कैसे हो सिज सागिरदीन मोहम्मद बलोच, एंड खुद की जुगत मारो या कॉपी केस्ट वाली नहीं सिज मैडी खान। ऑलराइट एंड देन हाँ कोटा सिगर सिज दिनेश ज़ॉम्बी, अस्सलाम वालेकुम फिट शो सिज नूरे हरम। ऑलराइट वील टेक अ ब्रेक नाउ एंड वील बी बैक सून। टाइम हुआ है जब कुछ मीठा हो जाए। फसी जगह इन फ्रेंच शो स्पॉन्सर्ड बाय देयर इज नो बेटर वे टू फ्लाई फ्लाई एमिरेट्स। हेलो टुमारो
Alright, we're back once again. Umair Nadeem कहते हैं 8 minutes time check चला देना अली भाई. और उमेर नदीम के आज एडवर्ड ज्यादा है, शो कम. मोहम्मद ममान पूछते हैं, आप फेसबुक पेज पर लाइव शो क्यों नहीं करते, प्लीज टेल मी. देखो फिर हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, अभी तो ना कंगी करनी पड़ती है ठीक है, ना शर्ट पहनना पड़ता है, जूम हम रिलैक्स होके आके और फिर दरमियान में चाय भी पीना होता है ना, तो ये हमारे लिए ये बेस्ट है. उस्मान चनुवान से गली शायद भाई जरा टाइम चेक चला दे, वॉल वॉच आउट ऑफ रेंज है. अच्छा उस्मान चिनुवान ये भी कहते हैं कि फारूक वो ट्विटर वाला जो आपने जो किया था ना जी, वो सही केले का छिलका था. अब जिमल खान हंस रही है, साकिब अगेन फॉर्म में आ गया था एंड में. एंड देन सलमान खान कहते हैं फारूक ने चूक मारी है, चौक मारी है ठीक है, चौका ठीक है. मोहम्मद बिलाल वैसे बहुत टफ जा रहे हैं मैच, ये बात सही था, आज मैच बहुत टफ था. सही वैसे ज्यादा एक्साइटमेंट पीएसएल से भी इस मैच में था ठीक है ना, कि ओपनिंग बहुत जबरदस्त चली और बीच में थोड़ा सा बीच में कलेप्स हुआ और फिर आखिरी ओवरों में बात रह गई थी ठीक है ना. एंड देन ओके कुछ ऐसे मैसेज भी पढ़ लेते हैं 9191 पे. हेलो मी फला फ्रॉम पिंडी, बहुत मजा आ रहा है आपका शो, हलीमा बाजी को सलाम. मिशाल सईद, वजाहत खान, अली इफ्तिखार, मुर्तजा ख्वाजा, जलाल हुसैन, ह्यूज फैंस ऑफ योर्स, फसीजा का, वेल थैंक यू सो मच. उसको बोल ने भड़काऊ, सिमली डैम रोड पे आता है, सेड़ी सेड़ी चौक फुलगड़न. आई एम राजा अफजल. एंड साकिब भाई, हर कोई आप जैसा होस्ट तो नहीं हो सकता. फॉलो फ्रॉम बिंडी, वैसी तारीफें हो रही हैं. फिर खालिद फ्रॉम लाहौर, खन्ना पुल के नीचे जहाज बना होता है बांगलू ठीक है ना, ये सही कह रहे लाहौर सही कह रहे लाहौर से सीरीज. डॉक्टर साहब जुगतबाजी में डिफ्लोना करने गए थे, गुम ही हो गए थे. आज हर बॉल छक्का है, पूरे हफ्ते का जुगत एक टाइम में. वाओ मुबशर मुगल फ्रॉम कराची. महविश बलोच के दी, साकिब छा गए आप. प्रियान से बेस्ट कॉल. एंड मैं कराची शेर शाह से सजाद खान, साकिब तो साकिब है यार. ऑलराइट, यू कैन जॉइन अस ऑन मंडेज एंड ट्यूसडेज रात के 10 से 12 रेडियो 1 FM 91 पे. आप हमें एसएमएस कर सकते हैं 9191 पे. एंड यू कैन जॉइन अस ऑन फेसबुक फसीजा का ऑफिशियल. यू कैन कॉल अस 0511111191. इसरार अहमद कहते हैं ट्रांसमिशन इज नॉट स्पॉन्सर्ड, एड्स आर स्पॉन्सर्ड बाय फसी. इनोसेंट माइस फसी भाई, आज खिजर बादशाह की बर्थडे है, उन्हें हैप्पी बर्थडे बोलें. हैप्पी बर्थडे खिजर बादशाह. एंड ये होता है जब शो के पुराने लिसनर्स वापस आ जाएं, एडवर्ड ज्यादा से जुमेर नदीम. एंड अब 7 मिनट्स बाद टाइम चेक ठीक है, लेट्स टेक अ कॉल एंड सी हु इट इज. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक. कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद लतीफ बात कर रहा हूँ कराची से. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत शुक्र है, माशाल्लाह प्रोग्राम तो बड़ा ठीक ठाक जा रहा है आपका. बस थैंक यू. तो क्या करते हैं आप? मैं पहले भी कॉल की थी, मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा. और इसके अलावा बस मुझे ये शौक है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सीखने का, बोलने का, मतलब थोड़ा सा नो हाउ लैंग्वेज के बारे में. तो कौन सी लैंग्वेजेस सीखे हैं आपने? मतलब फारसी है, अरबी थोड़ी बहुत है, हमारी यहाँ इलाकाई जबान है जैसे बनती है, सिंधी है, मतलब बड़ा मजा आता है. अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड. पश्तो सीख है? हाँ पश्तो इज माय मदर टंग. अच्छा अच्छा, फिर तो ये तो बेस्ट है. और सराइकी सीखी है? सराइकी मतलब सीखने से ये कि जैसे माहौल है तो लोग बोलते हैं बाज जबाने से समझ में आती है, ज्यादा बोल नहीं पाते लेकिन बाज में बोल रहे हैं सिंधी बोल लेते हैं. तो ये तो फिर आप थोड़े बहुत तहरीम की तरह हैं. वो हर जबान और हर प्लॉट जानते हैं. अच्छा, तो मैं इनके साथ एक लैंग्वेज बोल के देखूं यहाँ की रीजनल लैंग्वेज. हाँ, हाँ, मुझे नहीं आती है छगड़ूलू. मुझे अच्छा, बस पहाड़ी लैंग्वेजेस आती हैं जो मड़ी में बोली जाती हैं. चलो खैर, मैं पहाड़ी वाली बोल के दिखाता हूँ आपको. हाँ कर दे. चिरिमिंता को चीन, चिरिमिंता को चीन. ओ भाई ये तक मैं आज भाई आपने क्या बोला? ये मुझे ड्रिंक किस टाइम लगेगी?
शामी 5 बजे नहीं तो तू उसे वो जॉब देता था जो तू स्कूल में देता था. आई एम सॉरी मैम. अच्छा तो ये जवाब है इसका. ये आपने कौन सी जुबान बोली थी? ये चाइनीज से मिलती जुलती जुबान है. इसका एक्सेंट बिल्कुल चाइनीज की तरह है. अच्छा. और मैंने जो पूछा, मैंने कहा आपका नाम क्या है? असल में जिक्र जो हो रहा था ना वो पहाड़ी जुबान का हो रहा था. ये भी तो पहाड़ी जुबान से है यानी कि ये हमारी गिलगित बल्तिस्तान में गई ना. जी हाँ जी हाँ. बहुत जबरदस्त है तेरी पटवारी. जबान तो नहीं आती लेकिन ज्योग्राफी थोड़ी बहुत आती है. ये होल सी सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान से. अच्छा 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 मैं समझ गया. ज्योग्राफी बहुत अच्छी है. वो देखो मैं तो सिर्फ सूबों को जानता हूँ ना. आप जो है ना अगर किसी इलाके के किसी जगह जहाँ प्लॉटिंग करवानी है उसकी कैंच भी ये तहरीम को पता होता है और ये वहाँ के लोगों की हरकतें भी जानते हैं. हाँ ये आपको ये बता सकते हैं कि यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. सिर्फ इधर लाइफ की दफा थोड़ा रह गया. अच्छा, उसमें रह गया. उसमें मुझे पता था इसलिए मैंने उस दिन अखबार पढ़ा था. ठीक है. बड़ा स्कैंडल आया कि ये गलत प्रॉपर्टी थी. रात को ये आ जाते मुझे यार इडन लाइफ बहुत जबरदस्त. दो दिन पहले उधर विजिट करके आया अखबार नहीं पढ़ सका. इसीलिए वहाँ के कुछ बंदे पूछ रहे उनके बारे में. चाचा जी बड़ा सख्त किस्म का ना ठंड हो रही है. अच्छा अच्छा जी. बस इससे पहले कि बर्फबारी हो छतरी लें और निकले. बहुत शुक्रिया जी. अच्छा जी अल्लाह. बहुत मजा आया आपसे बातें करते हुए. थैंक यू सो मच. ऑलराइट. टाइम चेक तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. उसके बगैर तो वक्त ही नहीं. It's 11:30 p.m. Time check sponsored by free Wi-Fi and gourmet meals. Fly Emirates. Hello tomorrow. Hello? Hello? All right. अच्छा एक मुकद्दस अब्बासी है एंड उनकी उन्होंने हमें मैसेज किया था जरा एक दो हफ्ते पहले एंड आई अपोलोजाइज हमसे मिस हो गया था. उनकी बहन हसीना की सालगिरह थी और उन्होंने खास कहा था कि तेरीम उनको विश करें. मुकद्दस अब्बासी की बहन हसीना. हसीना को बहुत बहुत सख्त मुबारक हो. हाँ और बिलेटेड हैप्पी बिलेटेड. यस बिलेटेड. ठीक है ना बिकॉज तेरीम इज अ लेट. ऑलराइट. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ सायरा. ये तो मुझे याद है लेकिन थोड़ा याद और दिला. अपना गला खंगाड़ो बनी गाला. हाँ. तो क्या हो रहा है सायरा? गला खराब है. अब क्या करूँ? गला खराब है. कुछ नहीं हो रहा. बस कॉल मिला रही थी. अच्छा. तो नाश्ते खाओ जाके. मैं ले ली थी कॉल. क्या कह रहे हैं आप? हम पूछ रहे थे कि क्या हालात है आपके. हालात तो बस अच्छे हैं. बहुत अच्छे हालात है. मेरी शादी होने वाली है. ये हालात है. अच्छा मुबारक हो. बड़ी पार्टी पकड़ी है. इंशाल्लाह बड़ी पार्टी है मुझे लग रहा है. इंशाल्लाह. अच्छा तो ये तो मुबारक हो. आपको पता है हम इन बातों पे बहुत खुश होते हैं जब बड़ी पार्टी आ जाती है. किस इलाके से आए हैं? यहीं के ना. यहीं के काउंसलर वगैरह. नहीं नहीं काउंसलर है. अपने गैस के मसले नहीं हल हुए तो यहाँ पे तो है ना. यहाँ पे उनके अपने तंदूर है जी. उधर उन्होंने ना वो बड़े वाले सिलेंडर सिलेंडर तंदूर. भाई मेरी बात नहीं सुन रहे. फिर मैं आपसे कैसे बात करूंगी? फिर तो मैं शो भी नहीं सुन सकूंगी. मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है. वो गाँव है क्या? है जहाँ आपने जाना है वो गाँव है. बनी गाला से क्या? इतने सख्त आदमी है. नहीं ना वो फिर अच्छा नहीं लगता ना. वो क्या कहेंगे? अगर अच्छा नहीं लगता तो फिर आपकी नई जिंदगी आपको परवाह नहीं होगी. मुझे तो नहीं पता वो क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे. वो सिर्फ साल बाद जब आपकी पहली बड़ी लड़ाई होगी फिर आप कॉल करेंगी. लड़ाई की नहीं. जब हालात डाउन होते हैं लोग फिर कॉल कर लेते हैं.
नहीं नहीं मुझे तो भी उनका नहीं पता ना वो कैसे है कैसे नहीं है, वो तो मैं अपने से खुद से काउंसलर है, बदमाश होते अभी से बता रहे हैं। अच्छा आपको तो बहुत अच्छा जा रहा है, आज तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो कब से कॉल कर रही थी, मैंने मैसेज भी किया था, आपने मैसेज नहीं पढ़े। किस इलाके के हैं ये तो बताएं ना, वही आपने वही अंदरूनी बड़काऊ किया। हम यहाँ के तो नहीं है ना, हम तो वैसे बेसिक लाहौर के हैं ना, बस घर हमारा यहीं पे है, इनके घर की बेसिक लाहौर है, बाकी चढ़ाओ इधर हो गया। नहीं नहीं हम तो पंजाबी है ना, लेकिन ये कहाँ के काउंसलर है, कोई हाई फाई जगह इस्लामाबाद, अपने घर के काउंसलर जी। All right, and Usman Chanu Awan ne kaha tha, thank you Ali Shahid for the time check. Bahut maza aaya mujhe. Hello. Assalam alaikum. Wa alaikum assalam. Maryam baat kar rahi hu. Maryam? Yeah, Maryam Malik. Ye kaun si wali, wo Lahore wali? Yeah. Wo uche girane wali? Nahi. जिसके घर में दो गाड़ियां पार्क होती हैं। एक्चुअली आई वांट टू से कि मुझे अभी तक लोग क्यों डिस्कस करते हैं। आपने नहीं, आपने ये देखा कि आप एक चार दिन से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली अभी आप इसी चक्कर में हैं तो चलो यार। ओह माय गॉड। जी 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 बोले। कोई कह रहा था कि जैसे लोग बोलते हैं आपकी ऑनर बिल स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने तो कभी फेसबुक पे कोई कमेंट नहीं किया है आपके पेज पे, तो मुझे क्यों किसी ने ब्लॉक करना है? हाँ, और भी बहुत सारे लोग हैं। कीजिए फैक्ट्स क्लियर और लोगों को भी बताएं। गलत बात मत किया करें, दैट्स सो रॉन्ग। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल, आप लोग जब आपको डिस्कस करते हैं, नहीं आपके मसला ये था आपके बड़े फैंस बन गए थे। नहीं एक्चुअली मुझे फैन फॉलोइंग नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। मैं एक कराची से बंदे अरशद, वो कहते थे मरियम के कॉल के बाद मैं पहले ये पिंजर नहीं खाता लेकिन आप मुझे विंग्स बहुत पसंद है। अब वो 160 रुपए के 10 विंग्स खाता है, उसके बाद स्वीट डिश में ना खट्टे अमरूद खाता है। ठीक है, मैंने यही कहना था बस कि अच्छा ये आपको डिस्कस किया जाए। मैंने रिकॉर्डिंग की हुई थी इवन, और मैंने तो एक ने ये भी सुना था कि किसी ने बोला हुआ था कि मेरी उससे बात होती है, तो मैंने उसको समझाया है। स्टेशन की बात कर रही हूँ, आपने किसी और स्टेशन को सुना होगा। वैसे मैंने आपके शो के अलावा कभी किसी शो में नहीं किया। अच्छा खैर जी, तो आजकल फिलोसफर की कहानियां पढ़ने हो, ये इधर इस किस्म की फिलोसफी नहीं चलेगी, इस किस्म की फिलोसफी नहीं चलती इधर। और तेरी शी डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, इनको सिर्फ इंग्लिश समझ आती है यार, एंड हाई लेवल हाई फाई उर्दू। तुम क्या बात कर रहे हो? अच्छा हाँ, तो और आप ठीक ठाक है? अंकल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और कोई फिर 3 माह तो होगी, कोई रेस्टोरेंट लेके जाए ये आपको? नहीं। ओ, बारिश हुई थी, आपने नहीं कहा कि डैडी पकोड़े? ओ, नहीं जी, घर में ही आलू चिप्स चल रहा है आजकल, आलू सस्ते हो गए 12 रुपए किलो। अच्छा, इंडिया से आ रहे हैं? हाँ। तो बस आप मैसेज दे दें अब यूथ को और सब लोगों को, और जिसने आपको डिस्कस किया उसको भी मना करना होगा। हाँ। मना करें, और बेहतर तो ये है खैर आप यहीं पे कर ले, लेकिन जिस चैनल पे हुए उनको कॉल भी जी। बिल्कुल, ये आपने अच्छी बात की। क्या बोला आपने? हम यही कह रहे थे कि अगर आपको आवाम को कोई मैसेज खिताब करना हो तो वो कर दीजिएगा, अभी टाइम है। नहीं, जरूरत नहीं है, जब टाइम आएगा तो मैं खुद कर लूंगी, और ऐसे प्लेटफॉर्म से करने की जरूरत नहीं, ऐसे बहुत बेहतर जगह है अवेलेबल। ठीक है, बस यही कहना है कि फजूल में दूसरों पे इल्जाम लगाने से बेहतर है कि आप अपनी लाइफ पे ध्यान दो और कुछ बनो, सिर्फ इन सब चीजों से। ये आप इससे अच्छा तो रेलवे का प्लेटफॉर्म, ऐसे प्लेटफॉर्म से बेहतर तो बंदा जाके किसी, अब रहने दे, बेस्ती करवा लेंगे, रहने दे। ठीक है,
तो और दूसरा इस तरह मजाक एक अलग चीज होती है लेकिन अपनी लिमिट से क्रॉस करना एक और चीज होती है. तो पता होना चाहिए कि मैं मजाक कर रहा हूँ या अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ. ये फेसबुक पे भी आप डाल देंगे बात? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है वहाँ के लोगों को समझाने की. लगा था कि शायद आप थोड़े से वाक्यों से कोई नहीं आप थोड़े से लगे थे लेकिन फिर सोबत का असर है आप ही इन्हीं की तरह हो गए हैं. जब भी बेरोजगारी बड़ी परेशान कुछ भी हो लेकिन इंसान को जो उसकी उसकी मॉरल वैल्यूज नहीं भूलने चाहिए. हाँ, ये बात भी सही है. उसके माँ बाप ने उसको सिखाया होता है वो कभी नहीं भूलना चाहिए. चाहे Rock, all hits in one place. FM 91, the hit music station. एक्चुअली आपकी मर्जी है लेकिन फिर भी जो गलत बात होती है उससे हर एक इंसान को दुख होता है. मैंने तो किसी से कभी बात नहीं हुई है. मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं, अगर जरूरत है तो मैं सुनवा दूंगी. मेरे नाम का कोई इस्लामाबाद का बंदा था, इवन मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग्स है, मेरी बेटी ने मुझे दी. उसने उसने बोला की उस्मान चिनियावान ने मैसेज किया की CTC. अच्छा ठीक है, मुझे उनकी नहीं सुनी है. तो उन्होंने कहा कि मेरी उससे बात हुई है और मैंने उसको समझाया आप मुझे सॉरी कर ले. ये वो ये बहुत गलत बात है कि किसी के बारे में इस तरह की बातें. और ना कभी मैंने फेसबुक पे आपके पेज तो कुछ किया है तो मुझे ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है. और फिर काफी दफा मैंने वैसे भी सुना है और नोट किया है कि मेरे बारे में क्यों बात करनी बात करनी चाहिए. पास्ट को भूल जाना चाहिए. क्यों वाली? आप उनके बारे में उनको डिस्कस कीजिए. जिन लोगों को अच्छा लगता हो अब मुझे नहीं अच्छा लगता तो मुझे डिस्कस नहीं किया करें. ठीक है, थैंक यू. ओके जी, खुदा हाफिज. वैसे भी वैसे एक रुपए में एक ही मिरुंडा आता है. ऑलराइट, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बस कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक. कौन बोल रहे हैं? इनाब हुसैन बात कर रहा हूँ, माड़ीपुर कराची से. कैसे हैं आप? ठीक ठाक. आप सुनाए, आप कैसे हैं? बस खैर खैरियत. क्या करते हैं आप? बस मैंने आपको 2 बार पहले भी कॉल की है. रेस्टोरेंट पे काम करता हूँ. शाही दाल मेरी मशहूर है. और शाही दाल और पराठों वाला बंदा है तू. हाँ, ये वही है. क्या बात है, सीरियस बन के आया था तू. तू अभी तूने बड़ा रोल बनाया हम पे. वैसे तो तू बिल्कुल सीर सुकर लड़ाने वाला है. यार मुझे बताओ, कड़क मुर्गी चाहिए ना. तो समझा था कि कोई प्रोफेसर आ गया यार. अच्छा नहीं, प्रोफेसर नहीं हूँ मैं. अच्छा, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है. थैंक यू यार. आप ऐसे ये आजकल ये हमें याद दिलाया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. उन्होंने कहा कि यार समद का पेज तो चेक करें, फिर नई जबरदस्त तस्वीरें आई. आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं? हाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ. पराठे वाले हाथों से? नहीं, तंदूर वाले हाथों से. जो जिस हाथ से रोटियां लगाता हूँ उसी हाथ से फेसबुक इस्तेमाल करता हूँ. तो ये है समद कुरैशी ऑफिशियल फैन पेज. ये लाजमी ज्वाइन नकालों से होशियार, सिर्फ ऑफिशियल इनका ऑफिशियल पेज है. समद कुरैशी, इसमें बहुत जबरदस्त तस्वीरें. अभी समद लेदर जैकेट पहन के एक घोड़े को रस्से से उसका वॉक करवा रहा है. ठीक है ना? तो हाँ, ये जरूर ज्वाइन कीजिएगा. ये बहुत बेस्ट पेज है पाकिस्तान का. सही, इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ. कल आपका शो, आप नहीं आए थे क्या कल? आपने शो कल नहीं आए थे? कल मैं सारी रात FM लगा के 91.91 लगा रहा हूँ. रात नहीं, 10 से 12 के बाद ना फिर नहीं आता. हाँ, फिर 10 से 12 के बाद उम्मीद मत रखना. कभी ऐसा हुआ नहीं कि 12 के बाद हमने शो स्टार्ट किया हो. कल तो वर्ल्ड डे था FM रेडियो का, तो आपका शो नहीं था. तो मुझे बहुत अफसोस भी हुआ. मैंने कहा आज नहीं है हमारे बहुत, पता नहीं कहाँ चलेंगे. ओए पहले तवे को टांका लगा, सारा ऑयल लीक हो रहा है. बल्कि उसमें ना हाफ फ्राई अंडा दे दे. हाफ फ्राई यार, एक होटल का मालिक जो है वो बोल रहा है आपके ऊपर अंडा बनता है, वो बनाना आता है तुझे? कौन सा अंडा?
प्लास पे नहीं भाप पे सिर्फ धुएं से वो अंडा बनाते हैं क्या तू चिमटे की जगह प्लास इस्तेमाल कर लो क्या प्लास से भी बना लेते हैं मसलन ये ठंडे पानी में भी अंडा बना लेते हैं यार ठंडे पानी में अंडा बना लेता है जी हाँ बन जाता है ठंडे पानी में भी अंडा बन जाता है मगर वो आटे का अंडा होता है अच्छा और वो खाता कौन है इसकी छत पे सुबह सुबह चीलें आती हैं चिड़िया आती हैं बुलबुल आती हैं कबूतर आते हैं वो खाते हैं हेलो जनाब दोस्त आपसे बात करके बहुत खुशी हुई आपसे बात करके जो खुशी होती है खुशी मिल जाती है आपसे बात करके हेलो मेरी आवाज नहीं आ रही आपको जी आ रही है अभी मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ खुश रहे और ऐसे ही शो करते रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहे चुप क्यों हो गए आप जी जी सुन रहा हूँ ठीक है जनाब फिर अल्लाह हाफिज हेलो जी जी फसी साहब से बात करनी थी से बात करनी थी फसी का हेलो हाँ तो मैं बात कर रहा हूँ ना बोलिए नहीं मैं तो आपसे फसी जगह से मैंने बात करनी थी वो तो कहीं गए हुए टूर पे अच्छा तो कब तक आएंगे वापस यही कुछ दो तीन महीने बाद तो यहाँ पे तहरीन तो होंगे ना हाँ वो भी नहीं है वो कहीं बाहर भी होंगे आप लोग ट्रकों के अड्डे पे बैठे हैं पीछे आवाजें आ रही हैं जी जी बिल्कुल हेलो तो आप कहाँ से शो कर रहे हैं आप ट्रक के अड्डे से शो कर रहे हेलो जी 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 फसी जगह से बात करनी थी अच्छा आप होल्ड कीजिएगा हेलो हाँ जी फसी भाई यार आप कौन ये मैंने एक प्लॉट बेचना है फसी भाई सर आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में कॉल किया मैं आपकी कॉल फॉरवर्ड करता हूँ होल्ड ऑन हाँ जी करें जी करें हाँ जी फसी भाई हेलो एक कब्जे वाला प्लॉट है वो बेचना था मैंने हेलो हाँ जी जी कौन मैंने प्लॉट बेचना था भाई एक प्लॉट बेचना है आपने खरीदना है आपने किससे बात करनी है ओ, मैंने वो एक डीलर बैठा है ना आपके पास यहाँ उससे बात करनी नाम बताएंगे उनका इकबाल नाम है उसका इकबाल मैं आपकी कॉल ट्रांसफर करता हूँ हेलो हाँ जमशेद बात कर रहे हो हेलो जमशेद जी सर यार एक वो प्लाट मैंने बताया था आपको वो कब बेचना है आपने बता दे मुझे सर आपने कहाँ कॉल की है मैंने ये कॉल की है कपड़े की दुकान पे नहीं ये रेडियो स्टेशन है सर नहीं नहीं रेडियो स्टेशन पे बात नहीं करनी कपड़े की दुकान पे बात की है ना आपको आपने रॉन्ग नंबर डायल किया हेलो आपकी कॉल नाई को ट्रांसफर करता हूँ वो नाई को तो कॉल ट्रांसफर हुई बहुत जिद्दी आदमी हो काले कावे हाँ जी और यार तू अपना कपड़ा बेच के ही जाएगा यार तूने सारा खान हमें बेच ये जो ये करके जाएंगे जी यार आप करें जी आपको दस्तरखान तूने सारा थान हमें बेचने नहीं नहीं थान नहीं बेच रहा अभी मैंने कपड़े पे आ गया मैंने वो सॉरी प्लॉट पे आ गया मैंने प्लॉट बेच ये जमशेद कौन था ये बता जमशेद ये जो इकबाल का भाई नहीं है जो नलके लगाता है नहीं नहीं यार वो दूसरा ये तो सीवरेज की लाइनें खोल जो सीवरेज की लाइनें नहीं खोलता और जो डीपीसी बनाता है वो कौन है वो चप्पल गंजू है जी यार प्लॉट का बता रहे तुम इंसानों की तरह घर बनाओ यार सारे घरों में सेम आ रही है यार क्या कर रहे हो सेम निकाल देते हैं ना सेम का एक हल है मेरे पास जी जी वो तुम्हारा अपना इखलाक आया नहीं नहीं वो जुबान से प्लस्टर मारता जीरो की बजरी का टंकियां बनाने का माहिर है यार वो जो कहते कुएं का भी जिक्र नहीं करता मेरे से यार अब मुझसे बात तो करो यार तेरा मामा नासिर किधर है वो बोरिंग की मशीन के साथ वो नासिर को मैंने भेजा वो उधर वो बोरिंग के लिए भेजा वो आपकी तरफ ना आपने किधर से कॉल की मैंने इस्लामाबाद से कॉल की अच्छा किस यार तुम्हें गिफ्ट देंगे यार हाँ गिफ्ट है ये सभी मैं आपको दूंगा एक छोटा सा
बहुत छोटा सा गिफ्ट है लेकिन आप कहाँ से आप इस्लामाबाद यार सही बता रहा हूँ इस्लामाबाद के लिए गिफ्ट था यार आज बख्तावर अच्छा बड़ा जबरदस्त है इलाका है यार वो तो अच्छा देखा वो चोरों का यार क्या डिमांड है तेरी बात सुन तेरा प्लाट गंजा है नहीं गंजा नहीं है उसकी ऊपर तरीके लगी हुई है उसपे घास है नहीं तरीके लगी हुई एक मरले का बस वो ना किस जगह पे यार ये तूने अपने नाना की खराब मशीन की दुकान पे कब्जा किया था नाना की उस टाइम में नाना के दौर में खराब मशीन यार मुझे ये बता रूट्स मिलेनियम से कितने आगे पीछे किस साइड पे मलाई रूट मिलेनियम ही नहीं सच टीवी है ना उसके साथ ही है यार तू पहले अपना इलाका तो घूम ले कद्दू तोरी मैंने अपना इलाका तो घूमा मुझे बताओ ना कहाँ पे सिर्फ एक मतलब का प्लॉट है ये बिकवा दो तो इसमें से कमीशन भी दूंगा तीनों को दूंगा यार कमीशन को छोड़ चपड़ गंजू मुझे ये बता कि सच टीवी के किस साइड पे सच टीवी के बिल्कुल पीछे तो एक एक मरले की क्या डिमांड है वहाँ तो कुछ जगह ही खाली नहीं है झूठ बोल रहा जी क्यों नहीं है आप पीछे आके देखो सही ना कभी आप आगे आगे देखते हो पीछे भी कभी आगे देखो ना पता लगे अच्छा लेकिन डिमांड क्या है डिमांड से बहुत कम है बता 50,000 रुपए का मरला है 50,000 झूठ बोल रहा है जी तो 4-4.5 लाख मरला चल रहा है बल्कि जिस जगह की तू बात कर रहा है वहाँ तो 5-5.5 लाख है मैं मुझे तो बस ये मेरी डिमांड है ये मैं तो काचू के ये वो कब्जे वाला प्लॉट बेच रहे हैं इसका नहीं, है नहीं कब्जा नहीं है ये सरकारी गली है बेसिकली है ना हाँ। अच्छा गली के अंदर वो हाँ गली है ना यार ये ऐसी चीजें नहीं बिकती होती यार एक तो तुमने गलत काम किया है दूसरा ऊपर से कह रहे आगे सही काम थोड़ी किया मैंने यही तो सही काम कर रहा हूँ ये रही अपनी फैमिली में किसी को बेच ले यार ये उसी को बिक सकता है बाहर के लोग कोई भी नहीं ले रहा है इधर कोई भी नहीं ले रहा है मैंने कहा आपसे आप जरा आपसे कर लो उन्होंने कहा इधर कॉल करो ये डीलर बैठे हैं इनको दे दो ये ले लेंगे यार उधर बोरिंग भी हुई है वैसे दो कमरे भी बने हुए ऊपर नीचे तो रिहाइश नहीं नहीं राइट नहीं उधर वो मैंने हॉस्टल खोला था वहाँ पे फिर वो छोड़ दिया जो हॉस्टल है वहाँ हॉस्टल बना उधर तो हॉस्टल बहुत चलते हैं वैसे हाँ तो कह रहा हूँ आप अगर कोई देख लें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर 50,000 मुझे यार तुझे एक मरला जगह लेते हुए शर्म नहीं आई थी नहीं नहीं ये मुझे ये तोहफा दिया था ना नहीं वैसे तो रहता भी उसी इलाके में नहीं 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 रहता मैं थोड़ा साइड पे हूँ किस इलाके में रहते हो बंदा वहाँ थोड़ी रहता जहाँ पे काम करता होता है फिर भी बताएं तो सही थोड़ा सा पीछे देखा वो चट्टा बख्तावर देखा आपने जी जी बिल्कुल बस उसकी बैक साइड में एरिया है कोंड राजगान वहाँ पे वहाँ किस तरह जमीन वहाँ पे तो 4 लाख का मरला है अच्छा मुझे नहीं पता था उस इलाके का नहीं पता था ना मैं वही तो कहता हूँ आप पीछे आते ही नहीं आप आगे आगे घूम रहे होते हैं खाली ऊपर ऊपर बस बात है पीछे भी कभी आएगा ना बड़ा कुछ होता है पीछे गाड़ी आ जाती है गाड़ी क्यों नहीं आती पूरी लैंड क्रूजर आती है और बताएं आप आधी लैंड क्रूजर भी आती है आदि भी आती है वो जो आगे पीटर लगा गई मेरा दिल कह रहा है मैं खन्ना पुल से ना इनाम देते हैं मैं कह रहा हूँ मैं तुझे 3 किलो कोयले दूंगा और उसे उसे मल दूंगा तेरे सारे साल पे वो सीखे मेरे पास भी पड़ी है वो भी मैं आपको दे दूंगा और बताएं यार वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ हमारे पास रियल में इस्लामाबाद के लिए एक गिफ्ट है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको दे देंगे भजन मैं खुद आपको गिफ्ट देना चाह रहा हूँ आपको ये गिफ्ट क्यों नहीं पसंद आ रहा जो मैं देना चाह रहा हूँ ऐसी ऐसी ऑफर कहीं मिली है आपको नहीं यार ऐसी हाँ। कब्जे वाली जगह पे नहीं यार आई एम इंटरेस्टेड ही नहीं है क्यों अच्छा और कहाँ पे चाहिए बता जगह बताएं मैं वहाँ भी प्लॉट निकाल देता हूँ लेकिन ये है कि जहाँ भी प्लॉट मिलेगा एक मरले का मिलेगा यार मुझे ये बता इडन लाइफ के साथ एक और सोसाइटी है उसका नाम शाहीन टाउन उसके जहाँ शाहीन टाउन खत्म होता है ना ऊपर वो ऊपर पुलिस ही आती है ऐसा ही है ना यार तुम इधर बिजनेस कर वहाँ बता जमीन किस तरह है यार वहाँ वो बड़ी पहाड़ी सी है वो बड़ी जबरदस्त जगह है यार वो बिल्कुल वो शबाना टाउन है साथ है ना ये मुझे नहीं पता मगर वो जहाँ हेलो हाँ जी सुन रहा हूँ आप ही हेलो हाँ जी सलाम अलैकुम जी वालेकुम सलाम हाँ क्या हाल है सर ठीक ठाक हो जी ठीक ठाक हूँ आप सुनाए ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं यार भाई वो प्लॉट एक मैं बेच रहा था अगर आप वो इंटरेस्टेड हैं ये लोग तो नहीं ले रहे अगर आप ले लें तो एक मरले का प्लॉट है दो कमरे बने हुए बोरिंग भी हुई है गैस भी लगी हुई है और दो गाड़ियों खड़ी करने की जगह भी है उसमें तो अगर आप लेना चाहते हैं तो बता दें ठीक है जब मैं लूंगा तो फिर मैं बता दूंगा सर आपको
अभी अभी बता देना, अभी मैं मतलब मैं तो इसकी पब्लिसिटी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक मरले का प्लॉट है, दो गाड़ियां भी खड़ी हुई थी, दो कमरे बने हुए, इसमें गैस भी है, बिजली भी है और बोरिंग शोरिंग भी अच्छी है, तो इधर भी सारा कुछ मौजूद है ना यार। नहीं तो वो एक मरले का है ना, एक मरले पे इतना कुछ कहाँ होता है, अब ये भी तो देखे ना, इतना कुछ एक मरले पे, वो भी 50,000 में मरला, मतलब नादिर उसके अंदर पार्किंग में हाथी भी खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल हाथी भी खड़ा हो जाएगा। अब आया ना सही यार नादिर, वैसे अफसोस के साथ यार, यार बहुत लेट आया शो, बहुत इस टाइम तो क्लोजिंग बिल्कुल एंड। ये फसी भाई क्या क्या चक्कर है, ये जो ना एक एक शो में दो दो तीन कार ले रहे, क्या मसला यार, ये आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई यार। हाँ। और अली का इस पे बहुत ज्यादा भूर आ गया, पैनासोनिक है। अच्छा नादिर हमारे पास अभी टाइम नहीं है, प्रोग्राम खत्म होने वाले, बस क्लोजिंग क्लोजिंग एक क्लोजिंग तुझे ही देना होगा, जैसे गाड़ी का बोनट बंद कर दो जोर से पटाख। हाँ। अच्छा दूंगा, ठीक है बिल्कुल फसी भाई, और सुना आप ठीक ठाक ठीक। ये कौन समझ भी तो नहीं था यार फसी? नहीं नहीं, ये ख्वाजा इश्तियाक था, ये बड़ा जबरदस्त प्रॉपर्टी डीलर था। अच्छा कारोबार वाले यानी कि बिजनेसमैन। हाँ। अच्छा अच्छा जल्दी क्लोजिंग दे दे यार, मजा नहीं आया यार, आप कसम से मेरे गेम में कॉल लग गया मेरा यार, हम भी खुद बहुत खफा हुए इस बात पे, मजबूरी है यार, आज मजबूरी है, अब हमें वो प्रोग्राम खुश खास तुम लोग दो दो कॉलर यार, तूने सुबह कॉल और सॉरी स्टार्ट में करनी थी ना कॉल। सुबह से तो कॉल मिला रहा हूँ, क्या करूँ, ओए झुमके लब्बे ना हूँ अब तुझे क्लोजिंग के लिए, जल्दी से यार जल्दी। अच्छा फसी भाई यानी कि इमरजेंसी है कॉलिंग देने के लिए? हाँ इमरजेंसी है यार, एड्स को बुखार हो गया। अच्छा अच्छा, चलो यार मजबूरी है, क्या करें यार, और वो टांगे के ना वो रस्सी भी नहीं बनवानी जल्दी। अच्छा दिल कर तेरे मूंछ को पकड़ूंगा। माय डियर लिसनर, द टाइम हैज बीन आवर ऑफ द शो डॉन एंड आई एम गोन ब्रिंगिंग ए न्यू सॉन्ग फॉर माय लिसनर इन द नेक्स्ट शो। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल एंजॉय माय न्यू सॉन्ग डॉन। आई टू गो एनीवेयर स्टेट विद टाइम हुआ है ब्रेक का, FM 91 सुनते ही जाओ।